आज का जो मैच था इंडिया वर्सेस जापान उसको हम लोग देखे। स्टेडियम पूरी तरह से पहुंच गए हैं, ठीक है। अब अंदर क्या नजारा होता है, चलिए आप लोग ब्लॉग में ऐसे बने रहिए। और काफी खास होने वाला है आज का जो शाम है, दूर दूर से लोग आ रहे देखने के लिए। और रांची में जो आयोजन हुआ है आज लास्ट दिन है, ठीक है। आप लोग को ऐसे ब्लॉग बने रहिए, मिलते हैं। यहाँ पर वार्म अप का जो एक समय था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मैच कुछ ही देर में यहाँ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आज स्टेडियम आए थे, काफी देर से यहाँ मैच चल रहा है लेकिन अभी तक हम लोग को एक भी गोल नसीब नहीं हुआ है। हम लोग काफी निराश हैं। आप स्टेडियम का स्थिति आप लोग देख सकते हैं, कितना शांत यहाँ पड़ा हुआ है। अंतिम कुछ क्षण बचे हुए हैं, करीब 5 से 6 मिनट बचे हुए हैं और जापान अभी एक गोल से हम लोग को लीड किया हुआ, यानी कि इंडिया को। तो चलिए आज जो कुछ भी यहाँ हुआ सभी को तो हम लोग कैद करने का एक कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम लोग को यहाँ से निराश होके ही जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी कुछ क्षण बाकी हैं, 5 मिनट का। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है, ब्लॉग में आप लोग ऐसे बने रहिए। लास्ट मिनट में इंडिया को प्लेंटी कॉर्नर यहाँ मिला हुआ है और हम लोग काफी उत्साहित हैं, देखते हैं क्या होता है। अंतिम कुछ क्षणों का मैच हम लोग इस वक्त देख रहे हैं और हम लोग क्या ही बोले, आज हम लोग को लगता है कि आज हम लोग का लक्की डे नहीं था, भारत के लिए आज लक्की डे नहीं था और आज हम लोग हार रहे हैं, यानी कि इंडिया हार रहा है, क्या ही बोल सकते हैं।
चलिए आज का जो मैच था इंडिया वर्सेस जापान उसको हम लोग देखें। और थोड़ा सा हम लोग निराश हैं क्योंकि आज भारत, मतलब हम लोग लग रहा था कि भारत जीत जाएगा, लेकिन भारत की जो एक महिला टीम है वो आज हार गई है। और हम लोग को मतलब काफ़ी निराशा हुआ, स्टेडियम भी पूरी तरह से शांत लग रहा था। और अभी जस्ट हम बाहर आए हुए हैं और यहाँ का जो तैयारी है ये सबको मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। और झारखंड सरकार का हम लोग को मतलब सराहना भी करना चाहिए कि रांची में इंटरनेशनल मैच सब हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्रिकेट का मैच हम लोग देखते थे, अब यहाँ पर हॉकी HIL पहले हम लोग देख चुके हैं, अब यहाँ पर महिलाओं का जो एक मैच है उसको भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये झारखंड के लिए काफ़ी अच्छी बात है और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा ही झारखंड मैच होता रहे। और ये ब्लॉग को देखने के लिए आप लोग को बहुत थैंक्स रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।